हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं फोनिक्स फार्म के बारे में, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन वाला बटन दबा दें ताकि वीडियो का नेक्स्ट अपडेट आप तक आसानी से आ जाए। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, फोनिक्स फार्म का प्लांट है ये, मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसके ग्रो, इसको कैसे किया जाए, कैसे ये तेज़ी से ग्रो करेगा और कैसे ये हरा भरा रहेगा, इसमें मिट्टी कैसी चाहिए और इसमें पानी कैसे देना है, कहाँ रखना है, ये सारे चीज़ के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें मिट्टी बहुत ही लाइटली चाहिए, बहुत हार्ड मिट्टी नहीं चाहिए। आप खेतों की काली मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल, और इसमें अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है तो पानी आपको सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे या दो टाइम आपको देना पड़ेगा, अभी तो पर डे पानी आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे ये देख पा रहे हो, काफ़ी घना पौधा है मेरा ये पौधा आपको नर्सरी में जाएंगे दो प्रकार में मिल जाएगा। पहला कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये पीपी में मिलेगा, और दूसरा आपको पॉट में भी मिल जाएगा। तो आपको जैसा बेहतर लगे वैसा ले सकते हैं। अगर आपके पास खाली पॉट हो तो पीपी में भी ले सकते हैं, अगर आपके पास पॉट ना हो तो पॉट के साथ में ले सकते हैं। तो आपके ऊपर ये है कि कैसा लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, और जैसे कि इसको जैसे आप देख पा रहे हो, ये जैसे पत्तियां हैं, ये डाल शाखाएं ब्रांचेस, अगर ये सूख जाती हैं तो इसको कटिंग कर देना है तो ये आसानी से ग्रो कर लेगा। जैसे आप देख पा रहे हो, देखिए अभी इसमें एक ब्रांच निकल रहे हैं छोटे से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत अच्छा भी है, ग्रो कर रहा है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं ये। और इसमें कीड़े वगैरह अगर लगते हैं, जैसे कि पत्ती वगैरह में फंगस, तो फाइडल पाउडर का आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं या गमक्सिन डाल सकते हैं। तो दोस्तों, हमने कुछ फोनिक्स फार्म का क्लोज शॉट लिया है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।